हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 5 कॉन्टिन्यूएशन में 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, 81 से करते हैं आज। घटनासार के दोनों वॉल्यूम आ चुके हैं करंट अफेयर्स के, इसको आप लोग पढ़ते रहें। और घटना चक्र की जो दृष्टि आती है करंट अफेयर्स की, वार्षिकी, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको भी ले सकते हैं। किसी एक को अच्छे से पढ़ लीजिए और कम से कम 2 से 3 बार जरूर रीड करें एग्जाम से पहले। घटनासार को ना आप लोग हार्ड कॉपी से पढ़ा करें, ताकि आप लोग रिवाइज करें तो अंडरलाइन तो कर सकें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तभी दूसरी रीडिंग का फायदा होगा, तीसरी रीडिंग का फायदा होगा। चलिए फिर शुरू करें। 81 देखिए, नंदौर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए एक संस्था है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस प्राधिकरण ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है कि नंदौर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर सेंचुरी बनाया जाए, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में 2 ऑलरेडी टाइगर रिजर्व हैं, एक नेशनल पार्क हम लोग राजा जी पढ़ते रहते हैं और दूसरा जिम कॉर्बेट, तो उत्तराखंड में 3 टाइगर सेंचुरी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रबंधन की विधि नहीं है? नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, ये आसान सा क्वेश्चन है। कंटूर फार्मिंग हुआ, प्लांट कवर हुआ, क्रॉप रोटेशन हुआ, ये सारे मेथड्स सॉइल इरोजन को बचाने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि ये सॉइल मैनेजमेंट का तरीका नहीं है। इससे तो सॉइल इरोड होती है, इस कृषि पे प्रतिबंध लगे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि झूम कृषि में बहुत ज़्यादा मात्रा में वनस्पतियों का ह्रास होता है, वनस्पति का लॉस होता है। इस कृषि में बहुत बड़ी मात्रा में जंगलों को जलाना पड़ता है और जलाने के बाद फील्ड का निर्माण किया जाता है जिस पर खेती की जाती है। और जो जंगलों को जलाने के बाद जो फील्ड का निर्माण किया जा रहा है, इस फील्ड को स्वीडन बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न खेती भी बोलते हैं। इस तरह की खेती को नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें ओवरऑल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की तो वृद्धि हुई है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है, उसमें कमी देखी गई है। तो ये सब फैक्ट याद रखना, ताकि ये कोडिंग कूट में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें काम आते हैं। तो ये फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर कम हो रहा है, तो इनका कारण क्या है? एक कारण ये भी तो है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें जंगलों को जलाते हैं, जंगलों को साफ करके एक क्षेत्र बनाया जाता है, फील्ड बनाई जाती है, उस पर फिर ये खेती करते हैं। एक बार उस जगह पर खेती कर लेते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी फिर यही प्रोसेस करते हैं, जलाना और स्लैश करना। तो ये सब झूम कृषि में होता है। चलिए आगे चलें। चलिए 83 देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, कृषि से संबंधित बहुत सारे संस्थान हैं जो ICAR के अंडर में काम करते हैं। ICAR के बारे में आप लोग जानते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, यह संस्थान लखनऊ में है। लखनऊ का एक संस्थान और इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग IIHR के नाम से पढ़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इसी के साथ साथ आप CMAP भी याद कर लीजिए। CMAP का मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। इस संस्था को आप लोगों ने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन ने पूछा है। एक संस्थान तो आपने देख लिया, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च लखनऊ में, IIHR भी देखा हॉर्टिकल्चर रिसर्च, CMAP भी देखा, और IISR भी याद रखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो हम लोग गन्ना वाला संस्थान पढ़ते हैं, शुगर केन, ठीक है। चलिए 84 देखिए, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा है। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 इन्फॉर्मेशन वो आपसे जानना चाहता है। हो सकता है आपने ये फैक्ट पढ़ा हो कि केरल का स्थान प्रथम है और बड़े राज्यों में UP का स्थान सबसे अंतिम है, लास्ट है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप लोग सीख लीजिए। इस इंडेक्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी UT। बड़े राज्य टोटल कितने हैं? 19। स्थिति क्या है हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया, केरल का पहला स्थान है और UP का लास्ट है, लास्ट यानी 19वां हुआ। इसी तरह छोटे राज्यों में मणिपुर का पहला स्थान है और नागालैंड का अंतिम स्थान है, और यूटी में सबसे बढ़िया परफॉर्म किया चंडीगढ़ ने, याद रहेगा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस तो आपने देख लिया यूपी का, कि सबसे लास्ट है, सबसे बेकार परफॉर्मेंस है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानना है। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किसका रहा, क्रमिक समझ रहे हैं ना, यानी पिछली बार की तुलना में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, तो वो उत्तर प्रदेश का है। इस फैक्ट को आप ध्यान रखें, ठीक है, हो जाएगा। चलिए 85 देखिए, निम्नलिखित में से किसने एक वर्ष के लिए नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर 7 कृषि जिन्सों के डेरिवेटिव व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया? डेरिवेटिव मार्केट को मैनेज और रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किया?
स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021, ये किस मिनिस्ट्री की है? यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखें। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये ऑप्शन 87। देखिए, निम्न में से किस तकनीक का उपयोग घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर जल की शुद्धता के मापन के लिए किया जाता है? किसी वाटर बॉडी में जो पानी भरा है वो पानी पॉल्यूटेड है या फिर प्रोडक्टिव है, ये सब चेक करने के लिए उस पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को देखा जाता है। किसी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की डिसॉल्व क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो वो पानी ज़्यादा प्योर होता है, प्रोडक्टिव होता है, और इसी के विपरीत अगर ऑक्सीजन की डिसॉल्व क्वांटिटी कम रहती है तो वो पानी पॉल्यूटेड होता है। ऐसा कौन बोल रहा है? विंकलर मेथड बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 89। देखिए, ऑयल स्प्लेज को नियंत्रित करने वाली निम्नलिखित विधियों में से कौन सी जैविक विधि है? ऑयल स्प्लेज समझ रहे हैं, बड़े बड़े जहाज़ों से जो ऑयल लीकेज हो जाता है समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, बड़े बड़े जहाज़ों से भी ऑयल लीकेज हो जाता है, और समुद्र के नितल से जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है, समुद्र नितल से जो तेल निकाला जाता है उस पाइपलाइन में भी कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है, और ऑयल और वाटर की डेंसिटी से आप लोग परिचित होंगे, ऑयल बहुत हल्का होता है वाटर से, ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बहुत कम होती है, इसलिए ऑयल सरफेस पे आ जाता है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये जो ऑयल लीकेज होता है ये 2-4 लीटर की तो बात नहीं है, यहाँ पर टन्स ऑफ गैलन्स ऑयल लीकेज हो जाता है। समुद्र में ये जो तेल फैल गया है ये सबसे बड़ा खतरा है मैराइन इकोसिस्टम के लिए। यहाँ देखिए, ये जहाज से आपको ऑयल फैला हुआ दिख रहा है समुद्र तल पर, इस रीज़न का मैराइन इकोसिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया, तो सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो ऑयल फैला है इस पानी से निकालेंगे कैसे? ऑयल आप लोग जानते हैं क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स होता है, इन हाइड्रोकार्बन्स को ख़त्म करना पड़ेगा। इन हाइड्रोकार्बन्स को ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन टेक्निक है ऑयल जेपर। ऑयल जेपर ये बैक्टीरिया होता है, ये ऑयल जेपर बैक्टीरिया हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन और पानी में तोड़ देते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑयल जैपिंग बैक्टीरिया की खोज टेरी संस्थान ने की थी, टेरी के बारे में आप लोग जानते हैं, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इस संस्था के एक साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर बनवारी लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल जैपिंग बैक्टीरिया की खोज डॉक्टर बनवारी लाल साहब की देन है। ठीक है, चलिए 90। देखिए, रासायनिक दुर्घटना आपात योजना तैयारी और प्रतिक्रिया किस वर्ष अधिसूचित किए गए थे? रूल्स है, लॉ है, कानून है, याद रखना है, जस्ट फैक्ट है, 1996 के ये रूल्स थे। 91। देखिए, हम लोगों ने पहले भी इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। एक बंजर जमीन रहती है, यहाँ पर छोटे छोटे पौधों का उद्भव होना शुरू होता है और सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, एक समय वो जंगल बन जाते हैं, तो ये पूरी तरीके से सक्सेशन हो गया। इन जंगलों के बाद हजारों साल बाद घास के मैदान में कन्वर्ट हो गया है, घास के मैदान फिर से डेजर्ट बन गए, तो ये सक्सेशन चलता रहता है। सक्सेशन का जो पहला चरण है उसे न्यूडेशन बोलते हैं, नग्नीकरण। यहाँ पे आप बंजर जमीन को ले सकते हैं, बंजर जमीन पे हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे पौधों का उद्भव होना शुरू होता है, तो इन वनस्पतियों की स्थापना को आस्थापन बोलते हैं, यानी यहाँ पे प्लांट स्पीसीज ने एंट्री मान ली। इन छोटे छोटे पौधों का उद्भव होने के बाद और सारे प्लांट्स हो जाएंगे, फिर उनके बीच सर्वाइवल की लड़ाई होगी, सारे प्लांट्स न्यूट्रिशन के लिए भागेंगे, कोई मर जाएगा कोई जी जाएगा, इस चीज़ को बोला जाता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। एक ऑप्शन में आपको स्थिरीकरण लिखा हुआ है, स्टेबलाइजेशन के, यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि स्पीसीज़ का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो चुका है और वो स्टेबल है, स्थिर है। तो इस क्वेश्चन में आपसे सीक्वेंस नहीं पूछा गया था कि पहले कौन होगा फिर कौन होगा फिर कौन होगा, वो भी हम लोगों ने सीख लिया। यहाँ पे तो बस ये बताना था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के कौन कौन से पार्ट हैं, तो यहाँ पे चारों ही पार्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92। देखिए, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में उपस्थित है? ये सब तो आसान क्वेश्चन है, नीचे से यहाँ से शुरुआत कीजिए, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और सबसे लास्ट में एक्सोस्फीयर। IMST से याद रखा कीजिए, आपके पास और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स होंगी। एस का मतलब स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इस मंडल में कुछ दूरी तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है इसलिए वो समताप मंडल है। ठीक है, चलिए 93। यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पूछा गया है, इसको हम लोग सीख चुके हैं, इस टेस्ट में मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन पिरामिड से पूछ लें, संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। हम लोगों ने बायोमास पिरामिड के बारे में भी पढ़ा था कि इनका पिरामिड भी दोनों तरीके का होता है, सीधा भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। इन्वर्टेड कहाँ पर सीखा था हम लोगों ने? मैराइन इकोसिस्टम में सीखा था।
स्थल पे सीधा होता है और जल में उल्टा होता है। दूसरा पॉइंट है, ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा होता है, ये गलत है, हमेशा सीधा होता है। सेकंड पॉइंट गलत है, सही बताना था, यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। 10% रूल भी आप लोग याद रखा करें। एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही होता है। यहाँ पे अगर 100 यूनिट एनर्जी है तो यहाँ पे 10 यूनिट जाएगी, फिर अगले स्तर में 1 यूनिट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और सबसे ऊपरी चरण में 1 का 10% निकाल दीजिए, 0.01, इतना एनर्जी ट्रांसमिट होगी, हो जाएगा। चलिए 94 देखिए, व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों पर भारत ने चीन के कितने उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया? एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में पूछ रहा है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ इंपोर्ट पर लगाई जाती हैं। भारत की एक ड्रोन कंपनी ड्रोन बनाती है और उसकी कॉस्ट 2000 रुपये आती है, लेकिन चाइना जो ड्रोन बना रहा है वो मान लो 800 रुपये का है। चाइना का अगर ये 800 रुपये वाला ड्रोन भारत के अंदर आ गया तो भारत में जो बनाया जा रहा था 2000 रुपये का, इसको तो कोई नहीं खरीदेगा। तो सरकारों को अपने घरेलू कारखाने भी तो बचाने हैं, तो इन्हीं सब के प्रोटेक्शन के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अब यहाँ पर फेयर कंपटीशन होगा। अभी हाल ही में चाइना के 5 आइटम्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 कीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य अवार्ड है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इस एकेडमी ने अभी हाल ही में कुछ चेंजेस किए हैं, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अब 20 भाषाओं में दिए जाएंगे, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, यह भारत सरकार द्वारा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, दूसरा सबसे बड़ा लिखा है, ये भी सही है, पहला हम लोगों ने सीखा, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। सही पूछा था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साहित्य अकादमी ने 2 नए पुरस्कार भी ऐड किए हैं, युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए 96 कीजिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को 47th रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हैदरपुर आर्द्रभूमि को अभी रिसेंटली जोड़ा गया, यह वेटलैंड यूपी का है और यूपी में मुजफ्फरनगर बिजनौर के बॉर्डर पर स्थित है। इसको मान्यता मिलने के बाद यूपी में टोटल 10 वेटलैंड्स हो गए, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 97 देखिए, जिंग नामक पारंपरिक जल संचयन तकनीक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, इस टेक्निक को लद्दाख में एग्जीक्यूट किया जाता है। ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी स्ट्रीम के फॉर्म में चलता है, इन्हीं जलधाराओं की डायरेक्शन को मोड़ के स्टोरेज टैंक में ये पानी भरा जाता है, फिर इसी स्टोर किए हुए पानी को सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। तो लद्दाख किस रीजन में आ जाएगा? ये ट्रांस हिमालय रीजन में आता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 देखिए, वह अन्योन क्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है कहलाती है, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कमेंशलिज्म बोला जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग गाय भैंस और बगुला वाला पढ़ते रहते हैं। आइए 99 देखिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यहाँ पर प्रबंधन शब्द लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, इसको देहरादून मत लगा देना, ये भोपाल में, देहरादून में हम लोग FRI पढ़ते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च भी देहरादून में है और फॉरेस्ट सर्वे भी देहरादून में, ये भी करेक्ट है, ये तो सही था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया, दोनों ही देहरादून में। तीसरा ऑप्शन है सुपर इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग नीरी के नाम से पढ़ते रहते हैं, याद आ रहा, नीरी नागपुर, सी पॉइंट करेक्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप नीरी बना लीजिए, कभी कभी फुल फॉर्म भी नहीं लिखता है, सिर्फ नीरी ही लिख देता है, नीरी कहाँ पर, तो याद रखें। डी पॉइंट है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये भरतपुर में नहीं है, ये रायबरेली में है, डी पॉइंट गलत है, यहाँ पे तो ट्रांसलेशन ही गलत हो गया, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है ना, इसको CPB बोलते हैं शॉर्ट में, CPB सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये हिसार में है, हिसार हरियाणा में, ठीक है आगे चलें। चलिए 100 कीजिए, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे R2 का मतलब RRR से है, पहले R का मतलब रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे R का मतलब रिसाइकिलिंग है, और यहाँ साथ में कोड ऑफ प्रैक्टिसेस भी लिखा है, जैसे आप लोग मोरल कोड पढ़ते हैं तो मोरल कोड में क्या रहती हैं, कुछ गाइडलाइंस रहती हैं, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मेथड हैं, इनको आप प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को रिसाइकिलिंग करने के लिए कुछ प्रोसीजर कुछ मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां R2 कोड को फॉलो करती हैं तो उन कंपनियों को R2 सर्टिफाइड किया जाता है, R2 सर्टिफाइड का दर्जा दिया जाता है, तो हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 101 देखिए,
यहाँ पे जो आसान सा है वो मिला दीजिए। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं हम लोग, यूपी में। लखीमपुर खीरी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, उमरिया जिला है एक, इराविकुलम केरल, और अंसी ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, 102 देखिए। पृथ्वी पर जल के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित अपूर्वी क्रम में व्यवस्थित करें। पूरे ग्लोब पर कहाँ पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कहाँ पर कम, ये सब आपसे पूछा है। महासागरों में 97.2% वाटर है, ग्लेशियर में 2.15, और भूजल यानी ग्राउंड वाटर में 0.06%। लगभग 100% तो यहीं पर हो जा रहा है। सॉइल में मॉइस्चर 0.005%। यहाँ पर वायुमंडल में देखिए, इतनी छोटी सी मात्रा रहती है लेकिन कितना बड़ा फैक्टर है रेनफॉल के लिए। और लास्ट में नदियाँ 0.001%, यानी जितना पानी दुनिया की सभी नदियों में बह रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा तो हवा में है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस को देख लीजिए, आपने भूजल को देखा सबसे ज़्यादा, तो ये पहले हो जाएगा। उसके बाद झीलों का स्थान आता है। यहाँ पर भूजल और मृदा के बीच में झीलें थीं, मैं उस पॉइंट को लिखना भूल गया, तो झीलों का भी याद रखें 0.009%। ये डेटा नहीं याद रखना है, लेकिन इसको ज़रूर याद रखें कि नदियों से ज़्यादा पानी झीलों में है। तो स्वच्छ जल की झीलें ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, इसके बाद सॉइल में मॉइस्चर हो जाएगा, और लास्ट में नदियाँ हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्तियाँ किसी द्वीप की तटरेखा के साथ विकसित होती हैं और सामान्यतः बाहर की ओर विस्तृत होती हैं। देखिए आप लोग कोरल रीफ तीन तरीके की जानते हैं। पहली कोरल रीफ का टाइप होता है वारियर रीफ, दूसरा टाइप फ्रेंजिंग रीफ होता है, और तीसरा टाइप एटोल के फॉर्म में होती हैं। जो राउंड शेप में कोरल रीफ होती हैं उन्हें एटोल बोलते हैं। वारियर रीफ के लिए हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट देखा था। बारियर रीफ कोस्ट से बहुत दूरी पे होती हैं, और जो फ्रिंजिंग रीफ होती हैं वो तट के साथ ही विकसित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में तो बी ऑप्शन में लिखा ही है तटीय प्रवाल भित्तियाँ, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 104 देखिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने के लिए चुना गया है? जैसे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ते हैं उसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन जोन भी अब बनने लगे हैं, और ये सब काम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही हो रहा है। गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र के लिए चुना गया, इम्पॉर्टेंट है। 105 देखिए। भारत में किस शहर में सरकार ने देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी? इंडियाज लार्जेस्ट हेलीपोर्ट नोएडा में बनेगा, तो यहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी याद रख लीजिए, ये तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। कहाँ पर बन रहा है? जीपी नगर में, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए। 106 देखिए। स्थायी रूप से जल में रहने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। हेलो किसका रूट वर्ड है? सॉल्ट का, यानी लवण का। सॉल्टी वाटर को जो रजिस्ट करने वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें हेलोफाइट्स बोलते हैं, और सॉल्ट को रजिस्ट करने वाले प्लांट्स कौन से होते हैं? मैंग्रोव। तो मैंग्रोव हेलोफाइट्स कैटेगरी में आते हैं, इनको सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट किसका रूट वर्ड है? पानी का है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स जल में रहने वाले पौधे पूछा है ना। एफीमेरल वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, जीवन छोटा होता है। ठीक है, चलिए। 107 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी डॉल्फिन मीठे जल में पाई जाती है? मीठे जल में पाई जाने वाली एक प्रजाति हम लोग गंगा डॉल्फिन भी पढ़ते हैं। ये सब डॉल्फिन मीठे जल में ही रह पाती हैं, गंदे जल में नहीं रह पाती हैं। इससे हम लोग एक चीज़ और सीखते हैं कि डॉल्फिन जो है वो इंडिकेटर प्रजाति होती है, संकेतक प्रजाति, जो ये बताती हैं कि वो जिस पानी में भी रहती हैं उस पानी का हेल्थ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है। जैसे बेजी डॉल्फिन है, ये चाइना में पाई जाती है। बेजी डॉल्फिन चाइना के यांगसी रिवर में पाई जाती है। यांगसी रिवर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी फ्रेश वाटर में पाई जाती है। सिंधु की भूलन डॉल्फिन, ये भी फ्रेश वाटर में पाई जाती है। बोटो डॉल्फिन, ये भी फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये अमेजोन रिवर में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सारी प्रजातियाँ फ्रेश वाटर में रहती हैं। चलिए 108 देखिए। गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अच्छा क्वेश्चन है। गंभीर संकटग्रस्त के रूप में जीवों के वर्गीकरण के संबंध में बताना है, और कौन सा मानदंड सही नहीं है वो बताना है। किसी भी प्रजाति को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में तब रखा जाता है जब 10 साल में 90% तक पॉपुलेशन कम हो जाती है उस प्रजाति की। पहली कंडीशन तो यह है, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, यहाँ पे 50% लिखा तो ये गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है आबादी का आकार अति अल्प हो, यानी जो भी मैच्योर्ड इंडिविजुअल हैं उनकी संख्या 50 से कम होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तभी उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला जाएगा। तीसरा पॉइंट है 10 वर्षों में वन्य क्षेत्र में विलुप्त होने की संभावना कम से कम 50% हो, तो ये पॉइंट भी सही है, सी पॉइंट सही है। डी पॉइंट है वन्य क्षेत्र में विलुप्त होने की अत्यंत उच्च जोखिम का सामना करने का अनुमान हो, तो हाई रिस्क तो हमेशा रहते ही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे गलत पूछा था, गलत कौन सा हो गया? गलत ए पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए। 109
पर्यावरण में निम्नलिखित में से किस विधि से सल्फर गैस का उत्सर्जन होता है? यहाँ पर तीनों ही मेथड से सल्फर गैस रिलीज होती है, चट्टानों का अपक्षय, ज्वालामुखी विस्फोट और कार्बनिक पदार्थ का अवघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तीनों सही हो जाएगा। माइकोराइजा, यह एक कवक है। कवक यानी फंगस है जो पेड़ों की जड़ों में रहता है और किसी प्लांट के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशंस, एसेंशियल न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, माइकोराइजा इन न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जड़ों की मदद करता है, जड़ों को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है और इसका काम लगभग आपने जो माइकोराइजा का देखा है वैसा ही है, बट आपको यहाँ पर याद रखना है कि राइजोबियम दलहनी पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। सवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी काम करते हैं। आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधे डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं, अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं, ना कि नाइट्रोजन के फॉर्म में। और ये नाइट्रेट कहाँ से मिलता है? और ये नाइट्रेट कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। इस सॉइल में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ये काम कौन कर रहा है? सवाल कर रहा है। अभी कौन से सवाल हैं, इन सब पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, डी ऑप्शन है समतापी प्राणी। समतापी प्राणी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिला लेना।